गाइस पोको एम टू प्रो यहाँ पर आपको ऐप ओपनिंग इशू आ रही है और आपके फ़ोन में जो है स्लो टच रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पोको एम टू प्रो में स्लो टच रिस्पॉन्स और ऐप ओपनिंग इशू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं वीडियो में आपको चार ट्रिक्स बताऊँगा, दो नॉर्मल ट्रिक्स हैं, दो प्रो ट्रिक्स हैं। अगर चारों ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में स्लो टच रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यानी आप मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, जैसे आप मैं गूगल को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं डिले लिया, ऐसे आप प्ले स्टोर को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डिले लिया। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आती है तो इस वीडियो को इन तक देखना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हम 100 लाइक एम रख रहे हैं, जल्दी इसको पूरा कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहला ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, पहला ट्रिक ये है, पहला प्रो ट्रिक्स है। आपको पहले एक लॉन्चर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है नोवा लॉन्चर, पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है इसको। ओपन करते ही यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं गूगल को ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं तुरंत ओपन हो गया। और इसको अगर फिक्स करना है आपको यहाँ पर फिर से नोवा लॉन्चर पर क्लिक करना और यहाँ पर होम स्क्रीन पर होल्ड करना है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका बार बार मतलब आपके लॉन्चर में जाता रहेगा। तो सेटिंग में जाना है और यहाँ पे नीचे चले जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट लॉन्चर। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको नोवा लॉन्चर पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि मतलब आपका मतलब बार बार आपके पोको लॉन्चर में नहीं जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी मतलब इशू नहीं आ रही, ये काफ़ी स्मूथ है और तगड़ा है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा ट्रिक ये है गाइस, आपको सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको पॉइंटर स्पीड सर्च कर लेना है। पॉइंटर अगर आप सर्च करेंगे तो आपके फ़ोन में आ जाएगा, पॉइंटर स्पीड आपको सर्च कर लेना है। और ये आपका हाफ रहता है, इसको आपको फुल कर लेना है। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आता है तो आप इसको मत कीजिएगा, अगर आपके फ़ोन में आता है तो इसको पॉइंटर स्पीड को आपको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद ये दो प्रो ट्रिक्स थे गाइस, इस दोनों ट्रिक्स को आपको ज़रूर यूज़ करना है। मैं तीसरा ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपको प्ले स्टोर से, आपको प्ले स्टोर से जितने एप्लीकेशन हैं उन्हीं को डाउनलोड करना है। आप जो होता है अगर आप अदर साइट से जैसे गूगल हो गया और वहाँ पे बहुत सारे साइट्स रहते हैं, वहाँ से अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपके फ़ोन्स में वायरस आते हैं। तो इससे आपका फ़ोन जो होता है बहुत स्लो होने लगता है धीरे धीरे, और आपके फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका फ़ोन जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको, अदर साइट से अगर आप करते हैं तो आपके फ़ोन में हैंगिंग इशू आने लगेगी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। नेक्स्ट ट्रिक ये है गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे आपको अगर फ़ोन को यूज़ करते हैं तो फ़ोन को यूज़ करते टाइम आपको ये चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन पे डबल स्क्रीन गार्ड तो नहीं लगा है। मतलब प्रोटेक्शन गार्ड जो होता है अगर डबल आपके फ़ोन में लगा है तो वहाँ पे भी आपको स्लो टच रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अगर आपके फ़ोन में डबल स्क्रीन गार्ड लगा है तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और आप फ़ोन को यूज़ करते टाइम अपने फ़ोन को क्लीन कर कर, अपने हाथों को क्लीन कर कर तब फ़ोन को यूज़ किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन के या थंब पर आपके ऑयली या मॉइस्चर रहता है तो आपका मतलब आपका फ़ोन सही से चलता नहीं। तो इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है गाइस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फ़ोन में स्लो टच रिस्पॉन्स आता क्यों है गाइस। ये स्लो टच रिस्पॉन्स जो है ये आपके पोको लॉन्चर में दिक्कत है, जो कि अपडेट के थ्रू सही हो जाएगा। जब आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा तो शायद आपके फ़ोन में जो स्लो टच रिस्पॉन्स है या थोड़ा ऐप ओपनिंग इशू आ रही है वो सही हो जाएगा। तो अगर तब तक आपका ये नहीं सही होता, ये लॉन्चर जो है काफ़ी स्मूथ लॉन्चर है, नोवा लॉन्चर बहुत फेमस है ही, आप इसको यूज़ करेंगे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको स्लो टच रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस लॉन्चर से हटाकर अपने पोको लॉन्चर में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्ले स्टोर से जाकर सिंपली इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपका वो पुराना वाला लॉन्चर आ जाएगा। तो यही वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हमारे लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके फ़ोन में और कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यही वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।